Hey guys, welcome back to my channel. This is my first video on how to make navbar in HTML and CSS. So guys, सबसे पहले आपको अपना text editor on करना है and वहाँ पे आपको एक file बनानी है index.html. मेरा कुछ folder structure ऐसा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे folder बनाया how to make nav and उसके अंदर मेरी दो file है index.html and style.css. style.css में हम CSS लिखेंगे and HTML में HTML. तो सबसे पहले हम boilerplate लगा लेते हैं. एंटर एंड गाइज, मैं ये सबलाइम टेक्स्ट एडिटर फ्री यूज़ कर रहा हूँ एंड यहाँ पे हमें टाइटल देना होगा हाउ टू मेक नेवबार. गाइज हमने दे दिया है, हमें अब लिंक करनी होगी. सो गाइज यहाँ पे सिर्फ मुझे अपनी फाइल का नाम लिखना होगा क्योंकि हमारी फाइल यहीं पे है, कोई वो फोल्डर के अंदर नहीं है या फोल्डर के बाहर. सो हमें ऐसे ही देना होगा. ओके एंड देन हम बॉडी पे आएंगे. सो हमें क्या क्या चाहिए, एक साइड में हमें लोगो चाहिए होगा एंड साइड में हमें चाहिए होगी उसके नेविगेशंस, जिसमें हमारा होम कॉन्टैक्ट अबाउट वगैरह आ जाएगा. सो अब हमारा इतना काम हो चुका है. अब हम यहाँ पे एक डीव लेंगे. ये हमने डीव ले लिया है, अब इसकी क्लास दे देंगे क्लास इक्वल टू लोगो. एंड यहाँ पे मैं अभी कोई लोगो यूज़ नहीं कर रहा, सो मैं यहाँ पे H1 लिख दूँगा. वहाँ पे लिख देते हैं कोड विद हर्षित. एंड गाइस, अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लो, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहती है. और ये नहीं करना था, पहले हमें बॉडी के अंदर नेव लेना था. तो हमारा नेव हो चुका है, ये हम इसे हटा देते हैं. ओके गाइस, एंड इसको नीचे पेस्ट करके पेस्ट कर दिया. सो गाइस, अब हमने यहाँ पे डीव तो ख़त्म क्लोज कर दिया है एंड यहाँ पे हम यूएल शुरू करेंगे जहाँ पे हमारे वो सारे टैग्स आएंगे. सो हम इसमें li लिया है, li के अंदर हमारा a है. सो मैं ऐसे चार बना लेता हूँ एंड इसका लिंक अभी कुछ नहीं देते. एंड यहाँ पे होम लिख देते हैं. यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, अभी बाद में हम उसे कर लेंगे चेंज. कैप्स करना है या कैपिटलाइज करना है वो हो जाएगा अबाउट एंड यहाँ पे कॉन्टैक्ट. सो गाइस इतना हो चुका है, अब हम ज़रा चल के देखते हैं कैसा दिख रहा है हमारा. ओपन इन ब्राउज़र. तो गाइस अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है हमें, क्योंकि हमने सेव ही नहीं करी है. एंड गाइस देखिए, अभी हमारे ये लोगो हो चुका है एंड ये हमारे चार. अब हमारा यहाँ का काम तो हो चुका है पूरा, अब हमें चाहिए CSS. अब हम CSS में जाएंगे. तो गाइस अब आपने CSS की जो फाइल बनाई थी उसे ओपन करना होगा एंड वहाँ पे पहले यूनिवर्सल इंडिकेटर लेके कर्ली ब्रेसेस, वहाँ पे हमें पैडिंग ज़ीरो करनी होगी एंड मार्जिन ज़ीरो एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स. ओके गाइज, ये हो गया. अब हमारा वहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट था नेव, तो हमें नेव लेना होगा कर्ली ब्रेसेस एंड हमें इसका डिस्प्ले फ्लेक्स करना है ताकि वो दोनों आई एलिमेंट जो हमारे उसके अंदर क्लास है आमने सामने आ जाए. डिस्प्ले फ्लेक्स, ये हो गया हमारा. इसके बाद हमें इसको विड्थ देनी पड़ेगी जो इसकी 100% होगी एंड उसके बाद हमें इसकी हाइट भी करनी पड़ेगी सेट. हाइट हमें इसे दे देते हैं VH में देंगे गाइस, जैसे कि पूरी स्क्रीन की 100 VH होती है, तो मैं इसको 12 दे रहा हूँ. एंड इसके बाद इसका बस वो होता है इतना. ओके एंड बाद में दिखाएंगे. इसके अंदर हमने लोगो क्लास ली थी, सो हम इधर अब यूज़ करेंगे डॉट लोगो. अब हमें इस नेव के अंदर हमें इसको देने हैं स्टाइलिंग. सो हम इसकी विड्थ रख देंगे 70% एंड इसका डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे क्योंकि ये वर्टिकली सेंटर में करने में हमें मदद करेगा. वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टली. एंड हमें इसमें अलाइन आइटम सेंटर करना होगा. इतना हो गया है गाइस हमारा इसमें. एंड हमारा अब इसमें था
h1. सो अब हमें वापस से डॉट लोगो h1 एंड कर्ली ब्रेसेस. सो हमें इसका सिर्फ मार्जिन देना है लेफ्ट से ताकि थोड़ा स्पेस आ जाए. मार्जिन लेफ्ट 60 pixels सही रहेगा. एंड उसके बाद हमारा था यू एल ही हमारा. सो यू एल को स्टाइल करते हैं अब. सो हमें यू एल को पहले डिस्प्ले फ्लेक्स देना पड़ेगा ताकि उसके अंदर के एल आई सामने आ जाए. और लाइन आइटम हमें देनी पड़ेगी सेंटर. एंड इसकी विड्थ हमें सेट करनी होगी. विड्थ मैं इसे दे देता हूँ 60%. ओके गाइस, अब इसके बाद हमारा था एल आई. यू एल के अंदर हमारा एल आई है. सो अब एल आई को स्टाइल करेंगे. हमें पहले इसकी विड्थ देनी है. इसकी विड्थ 20%. एंड उसके बाद इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना होगा हमें. टेक्स्ट अलाइन सेंटर. एंड उसके बाद हमारा हमें करना पड़ेगा जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन. एंड उसके बाद हमें इसका लिस्ट स्टाइल करना पड़ेगा नन. ओके गाइस, एंड इसके बाद हमें कुछ नहीं करना. हो गया हमारा. अब इसके बाद हमारा था इसके अंदर एंकर टैग, मतलब यू एल के अंदर एल आई के अंदर एंकर टैग. अब इसे स्टाइल करते हैं. तो सबसे पहले हमें इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन हटानी पड़ेगी ताकि उसके नीचे वाली अंडरलाइन हट जाए नन. एंड देन हमें इसका कलर देना पड़ेगा क्योंकि वो ब्लू रहता है लिंक का. इसका कलर हम दे देते हैं ब्लैक. ओके, एंड फिर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हम कर देते हैं अपर केस हो गया है. एंड अब देखते हैं कैसा दिख रहा है हमारा पहले. तो गाइस ये परफेक्ट हो चुका है, बट इसमें कुछ लुक्स नहीं आ रही. ऐसा लग रहा है पूरी स्क्रीन का ही पार्ट है. तो अब हमें इसको अलग दिखाना है. तो मैं क्या करूँगा, ये पूरा सब नेफ में है तो नेफ को मैं दे दूँगा बॉक्स शेडो. तो अब हम इसे बॉक्स शेडो देते हैं. देखिए नीचे देते हैं बॉक्स शेडो. एंड इसमें फिर हमें 1 pixel एंड इधर 20 pixel कि आप कितना ब्लर चाहते हो नीचे की तरफ. एंड ये एंड कौन सा कलर चाहिए वो लिखना होता है. सो मैं ब्लैक लिख देता हूँ. एंड ये हमारा हो गया. अब हम रिफ्रेश करेंगे और देखिएगा. देखिए अब नीचे एक पार्ट सा आ गया. ये अलग दिख रहा है नीचे से अच्छा. एंड अगर कोई चाहे तो कलर भी चेंज कर सकता है. जैसे कि मैं दिखाता हूँ बैकग्राउंड चेंज करके. बैकग्राउंड किसी को अगर रेड चाहिए तो रेड भी दे सकता है. ये रेड हो गया बट इतना अच्छा नहीं लग रहा. वाइट ही ठीक है. तो इसे मैं हटा देता हूँ. एंड ये हो गया रिफ्रेश. सो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए. एंड अगर आपको इसका शॉर्ट्स कट चाहिए तो मुझे इंस्टा पे DM कीजिए. इंस्टा ID मेरी डिस्क्रिप्शन में है. ओके, थैंक यू फॉर दिस वीडियो.